हमारा नाप है और इसका लंबाई जो है 16 इंच है और आस्तीन को बनाएंगे 5 इंच, 5.5 इंच और मोहरी इसका रहेगा 15 इंच। तो फ्रेंड इसका चेस्ट को देखते हैं कि कितना है। ये दिखने में तो काफ़ी हैवी है। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये 46 इंच का चेस्ट का ब्लाउज है और ये हमारे पास अभी अस्तर है, 70 पॉइंट का अस्तर है। ये देख सकते हो 70 पॉइंट अस्तर है और आज हम इसी में आप लोगों को कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो इसका लंबाई जो है 16 इंच है तो हम इसको 17 इंच पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से लंबाई तैयार करेंगे, तो लंबाई तैयार करने के लिए हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से 17 इंच पर, क्योंकि 16 इंच लंबाई हमें तैयार देना है। अब उसके बाद में ये 46 इंच चेस्ट है तो 46 का हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ से हम लेंगे 11.5 इंच यहाँ पर और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 11.5 इंच पे। अभी निशानों को फ्रेंड यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे और ये जो निशान है इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देंगे हम 1.25 इंच मार्जिंग देंगे यहाँ पर, 1.25 इंच ये लूजिंग मार्जिंग हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ से सीधा कर ले रहे हैं। अब उसके बाद में देखना है यहाँ से गले का डिप बना रहे हैं, तो गले का डिप तैयार करना है। तो यहाँ से गले का चौड़ाई हम देख रहे हैं ये 3 इंच है तो हम इसमें आधा इंच नीचे की मार्जिंग देंगे, सिलाई मार्जिंग यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिंग दे करके 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये पट्टी को हमें बराबर रखना है, नीचे का पट्टी जो है। और इसका फैलाव देंगे हम यहाँ से 4 इंच पे, ये नीचे वाले को 4 इंच पे देंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे लेंगे और इन दोनों निशानों को फ्रेंड यहाँ से ऐसे सीधा मिला देंगे इसको। अब इसका गला गोल है तो हम गले को गोल कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे ला करके मिलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे गोलाई शेप में दे देंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ से 3 इंच लिए हैं, उसके बाद हम शोल्डर तैयार कर रहे हैं तो शोल्डर जितना है उतना ही तैयार रखना है हमें। तो यहाँ से 3 इंच, ये 2.5 इंच का शोल्डर है और आधा इंच मार्जिंग ले रहे हैं तो ये 3 इंच बता रहा है, तो यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। अब फ्रेंड यहाँ से हम आर्म होल निकालेंगे इसका, तो आर्म होल ये कितना है हम आप लोग को पहले दिखा देते हैं नाप करके। यहाँ से ये है 7.9 इंच, इसका आर्म होल है 7.9 इंच। तो हम इसको पहले यहाँ से ऐसे रख लेते हैं ये इस तरीके से, ये ऐसे करके जमाएंगे और यहाँ से सिलाई है वहाँ से आधा इंच ऊपर ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ से इस निशान को हम इस तरीके से खींचेंगे और ये भी निशान को ऐसे मिला देंगे यहाँ से। और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से ऐसे, उसके बाद में इसको यहाँ से ऐसे राउंड बना देंगे। ये राउंड हो गया, ये शोल्डर हमारा यहाँ पर उठा हुआ लग रहा है तो हम इसको हल्का सा यहाँ से डाउन कर दे रहे हैं इस तरीके से, ताकि शोल्डर यहाँ लूज ना हो। अब उसके बाद ये आर्म होल को दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर हम आधे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे लेना है। ये देखते हो बिल्कुल 7.9 इंच आ रहा है। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप लोग भी बिल्कुल सरल तरीके से जितना भी साइज का कटिंग करो आप लोग इसी तरीके से आराम से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड इसका नाप हो गया, अब चलो अब कटिंग करते हैं। तो ये एक प्रकार का फर्मा बन जाता है हमारे लिए,
किसी भी साइज का परफेक्ट नाप लोगे तो ये फर्मा का काम करता है। तो फिर चलो पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रंट पल्ला निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अलग कर दे रहे हैं और यहाँ पर ऐसे इसको रख देंगे ये, तो ये बराबर आ जाता है। यहाँ से ये दूरी को बराबर देखना है कि ये सीधा दोनों रहना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर रख दिया। उसके बाद यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे निशान लगाएंगे इसको, और यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे ये इसी के बराबर में। अब हम यहाँ से पट्टी को अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि ये साइड वाला पट्टी निकाल रहे हैं, ये तिरछी पट्टी, तो ये साइड का पट्टी हम पहले अलग कर देंगे यहाँ से। तो अलग करने के लिए हम ये वाले पट्टी को नापेंगे, तो ये पट्टी अभी 3 इंच है, हम इस 3.5 इंच बनाएंगे, क्योंकि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो पट्टी का चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, यहाँ से ये 3.5 इंच हो गया और यहाँ से ये 1/2 इंच डाउन हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पर को रखेंगे हम ये रखें, तो यहाँ से 3 इंच रखेंगे ये, इस प्रकार से ये हो गया। अब ये फर्मे को हम निकाल दे रहे हैं यहाँ से। अब ये नीचे वाले लकीर को यहाँ से निशान को आपस में ऐसे मिलाएंगे, ये इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से ऐसे इसको सीधा कर देंगे और ये वाले निशान को ऐसे सीधा करेंगे ये इस तरीके से, और ये जो निशान है इसको यहाँ से ऐसे बराबर कर देंगे। अब फ्रेंड उसके बाद में हम ये गले का जो ये वाला दूरी है उसको देखेंगे। तो यहाँ से हम दोनों तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे 1/2 इंच ऐसे, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और ये निशान को हम ऐसे खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये चोली का दूरी देखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, तो ये 7.5 है, तो हम यहाँ से 7.5 नापेंगे, यहाँ से ऐसे रख करके यहाँ से 7.5, तो ये 7.5 हो जाएगा, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन इधर लेंगे तो ये 7 पे निशान लगेगा। तो इसको ऐसे यहाँ पर भी 7 लेना है और यहाँ पर भी 7 आ जाएगा ये इस तरीके से। अब ये हो गया, उसके बाद यहाँ से हम जो दूरी यहाँ पर है उतने दूरी पर यहाँ पर ला करके इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे राउंड बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तिरछी पट्टी आसानी से बन गया, देख सकते हो। और हल्का से इसको अंदर की तरफ ले लेंगे ये इस तरीके से, तो इस तरीके से लेने से क्या होता है, गला का राउंड जो है ऐसे आएगा, और उसके बाद ये शोल्डर हमारा एकदम सामने की तरफ दबा हुआ डाउन रहेगा ये इस तरीके से। फ्रेंड ये साइड वाले तिरछी पट्टी हमारा बन गया, अब इसको कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ से हल्का से ये डाउन कर देंगे, ये वाले हिस्से को हल्का ऐसे गहरा कर देंगे यहाँ से, तो फ्रेंड आप लोगों को कहीं भी परेशानी आता होगा कटिंग में तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ से ये तिरछी पट्टी बिल्कुल आसानी से ऐसे निकल गया। ये इस तरीके से ऐसे देख सकते हो इसको, तो यहाँ से इसको हमने इस तरीके से ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है यहाँ से ये ऐसे, और इसका मोहरी है 15 इंच मोहरी है, तो यहाँ से 7.5 इंच लेंगे, यहाँ से 7.5 इंच, और यहाँ से 9.25 इंच पल्ला है, तो ये यहाँ से 9.25 ले रहे हैं, तो ये कम हो रहा है,
ये वाला हिस्सा, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से ऐसे 9/7, ये हमारा यहाँ से 9/7 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी छूट जाएगा। और यहाँ से हम 7.5 में अब तैयार कर रहे हैं, यहाँ से 7.5, यहाँ से 5.5 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख करके 6.5, और यहाँ से 9/7 इंच। फ्रेंड इसको हम ये इस तरीके से ऐसे शेप बना देंगे यहाँ से ऐसे। यह हो गया, और ये वाला यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये मोहरी, ये आर्मोल हो गया, ये मोहरी हो गया। अब हम इसको एक साथ कटिंग कर दे रहे हैं यहाँ से, ये सभी पल्ले को एक साथ इस तरीके से कटिंग कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो ये पट्टी के लिए बस कपड़ा कम पड़ेगा। यहाँ पर हमारा चोली आसानी से निकल गया, और पट्टी को निकालने के लिए हम इसमें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पल्ला यहाँ से आ जाएगा और एक पल्ले के लिए हम किसी भी कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि 70 पॉइंट कपड़े में कैसे आसानी से 46 इंच चेस्ट का ब्लाउज का कटिंग हम करते हैं। तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि फ्रेंड आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पूरी ब्लाउज का कटिंग आप लोगों को दिखाते हैं। ये हो गया, यहाँ से ये आर्म होल का आ जाएगा, और यहाँ पर को हल्का से ऐसे ये इस तरीके से ऐसे ये सामने का गहराई हो गया और ये पीछे का। फ्रेंड उसके बाद हम यहाँ से चोली निकाल ले रहे हैं, और एक पट्टी हम इसमें निकालेंगे, और एक पट्टी के लिए बस दूसरे कपड़े का यूज करेंगे यहाँ पर हम। देखो चोली को निकालने के लिए हम औरेब कपड़ा तैयार करते हैं, तो यहाँ से ऐसे औरेब है, ये इस तरीके से ऐसे तिरछा है, तो हम इसको ऐसे तिरछा रखेंगे तो ये औरेब बन जाता है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसके चारों तरफ हम निशान लगा देंगे ये इस तरीके से। तो फ्रेंड देखो आप लोग किसी भी साइज का चोली कैसे आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। अब उसके बाद में इसके चोली को इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे दोनों के बीच को, और यहाँ से ऐसे बराबर ले लेंगे दोनों साइड, और यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगा। यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, और ये इस तरीके से। तो पहले हम ऐसे कटिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद में ये जो गले का राउंडिंग है उसको लेना है, ये जो गले का राउंडिंग है उसको लेंगे। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे राउंडिंग बनाने के लिए, यहाँ से देख रहे हो ये सबसे बड़ा साइज है, तो हम ये चोली का राउंडिंग कितना में कटिंग कर रहे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये 3 इंच पे है। तो फिर 3 से अगर ज़्यादा करोगे तो गला
ऑटोमेटिक बहने लगेगा। तो ये काफ़ी बड़ा साइज है, तो हम 3 इंच लिए हैं, नहीं तो 2.5 इंच और 2.75 इंच और 3 इंच, ये 3 जगह में गले का कटिंग करते हैं, तो हमारा गला कभी भी ब्लाउज कटिंग करते समय गले गिरने का कोई समस्या नहीं रहता है अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो। अब ये वाला तिरछी पट्टी को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ से ये इस तरीके से, और यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ से ऑलरेडी 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हल्का से ऐसे सीधा बस करेंगे, ये हो गया। अब फ्रेंड उसके बाद में ये गोलाई को देखना है कि ये गोलाई इसका चारों तरफ अच्छे से बनना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा निकला हुआ है, तो हम इसको यहाँ से बराबर कर दे रहे हैं ऐसे। अब फ्रेंड यहाँ तक हो गया, अब हम इसको ऐसे लेंगे, उसके बाद में यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, यहाँ से ये हमने 7 इंच लिया है, ये बड़ा साइज है, काफ़ी बड़ा है। तो अब फ्रेंड यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे ला करके इसमें मिला देंगे, ये जो बाहर का निशान है उसमें ऐसे ला करके इसको ऐसे सीधा कर देंगे इसको। अब यहाँ से हम ऐसे इसको तिरछा कर देंगे, ये इस तरीके से। अब यहाँ से ऐसे बराबर इसको कटिंग कर देंगे, ये कटिंग हो गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखना है कि ये है 7.5 इंच, 7.5 इंच इसका चोली है, तो यहाँ से सिलाई मार्जिन छोड़े हैं हम 1/2 इंच, और यहाँ से ये 4.25 इंच पे लेंगे, तो यहाँ से ये 7.5 इंच इसका चोली बनेगा, यहाँ से ये इस तरीके से इसका राउंडिंग जो है फ्रेंड देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छे से हो गया, इसका शेप जो है बढ़िया से बन गया बराबर चारों तरफ इसका, देख सकते हो यहाँ से है 7.25 और यहाँ से 7.25, ये इस तरीके से। तो यहाँ से भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितना है, ये ऐसे लेना है, बीचों बीच को इसको पकड़ लेना है और यहाँ से ऐसे देख लेंगे, यहाँ से फ्रेंड अब निकाल रहे हैं हम, यहाँ से पट्टी तैयार कर रहे हैं, तो एक पट्टी हमारे इसमें बन जाएगा और इसमें पट्टी नहीं आएगा हमारा, तो ये खर्चे का काम आ जाएगा, जोहू का पट्टी बनेगा, और यहाँ पर एक पट्टी बस हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ये ब्लैक कलर का कपड़े का अस्तर कपड़े का, तो यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर देंगे, और यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ से ये जो टेप रखा है ऊपर हिस्सा, वहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, ये 3.5, और यहाँ से एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, और यहाँ पर 3, और यहाँ से सिलाई मार्जिन, और इन दोनों को यहाँ इस तरीके से ऐसे मिला देंगे यहाँ से। तो ये जो सिलाई दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। फ्रेंड काटने से जो कपड़े है हमारे पास उसका खर्चा बहुत कम यूज होता है, ये परफेक्ट नाप से ही कपड़ा भी कटिंग होता है, और ये अस्तर भी, तो ये देख सकते हो ये सभी पार्ट्स का हमने कटिंग कर लिया। ये है 17.5, ये 17 इंच, सॉरी 17 इंच है, और ये है
11.5 और इसको 4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46 इंच। ये हो गया, ये साइड पट्टी हो गया हमारा तिरछी वाली, और ये पट्टी हो गया, और ये है इस चोली, ये है अस्तिल। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड जय हिंद।